गाइस, तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। जल्दी हम डिफिनेशन जानते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस थिंग्स एनिमल, ये हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर नाउन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो वो दो कौन है? पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन में क्या है, हम अगर इसके बारे में जाने तो काउंटेबल में हम डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। ठीक, अगर कोई पूछता है कि ये नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन नाउन के एक कौन से नंबर पर बेस्ड है, तो ये दोनों जो है हम सिंगुलर में भी बात कर सकते हैं, नंबर होगा, और प्लूरल में भी होगा। ठीक, फिर काउंटेबल नाउन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक, फिर देन हम इसके बारे में बात करेंगे, अनकाउंटेबल के बारे में। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, पहली बात ये क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, किसको बताएगा, क्वांटिटी को। दूसरा, इसका जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, किसमें रहेगा, सिंगुलर नंबर में हमेशा रहेगा। और तीसरी बात इसमें क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में यस या ईएस जोड़ा जाएगा तो कभी भी प्लूरल इसका नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, प्लूरल ना बनेगा। ठीक, और ये कितने पार्ट में क्लासिफाइड है, कितने पार्ट में क्लासिफाइड है, पहला अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा मटेरियल। ठीक, पहला हम डिस्कशन करेंगे अनकाउंटेबल में प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन थिंग्स प्लेस। प्रॉपर नाउन में जो एक ही व्यक्ति होता है या वस्तु होता है या स्थान का बोध कराता है। ठीक, और इसका जो नंबर होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही होगा। ठीक, पहली बात क्या जाननी है कि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा एक ही व्यक्ति वस्तु एक ही स्थान का बोध कराता है, इसमें हमेशा प्रॉपर नाउन का नंबर, प्रॉपर नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, और इसको सब्जेक्ट बना देंगे, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ठीक, दूसरी बात ये, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हम देखें तो मोहन हैज इनवाइटेड सीता, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, और हैज क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक, दूसरा है राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक, राम क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, ये है सिंगुलर, कमिंग क्या है, ये क्या है, वर्ब। ठीक, फिर देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि जो सीरीज होता है, सीरीज और क्रू, ये दोनों हमेशा जो है सिंगुलर में भी बात करेंगे और प्लूरल में भी, प्लूरल नंबर में रहेगा, सेंट। ठीक, दूसरी बात ये, इसमें हम कभी एस और ई एस कभी नहीं जोड़ेंगे, इसका कभी हम प्लूरल बनाएंगे ही नहीं, प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, अब जैसे बात करते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी टू प्ले। ठीक, तो टीम क्या हुआ, नाउन हुआ, प्लेयर्स क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ। ऐसे कुछ और है जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फिर है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बंच ऑफ ग्रेप्स और की, अ गैंग ऑफ रोबर्स, ठीक, अ हार्ड ऑफ कैटल, ठीक, शीप और डियर, ठीक, अ क्रू ऑफ सेलर्स, बोटमैन,
ठीक, अ फ्लॉक ऑफ बस, इसके अलावा अ फ्लाइट ऑफ बस, अ फ्लिट ऑफ शिप्स। ठीक, कुछ अब नोट करने वाली बात हम बता रहे हैं, जब दो या दो से अधिक, मतलब जैसे दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ा जाता है, ठीक, तो पहला वाला नाउन हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करेगा और उसी के नंबर के आधार पर हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसका कुछ एक सेंटेंस देख लें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज रेडी टू प्ले। अब इस सेंटेंस को हम देखें तो टीम क्या है, टीम क्या है, ये नाउन है, ठीक, प्लेयर्स भी हमारा नाउन है, ठीक, और रेडी क्या है, वर्ब। यानी कि इस सेंटेंस में हमेशा दो या दो से अधिक अगर नाउन को जोड़ा जाता है तो जो पहला वाला नाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा और उसी के नंबर के आधार पर हम हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और देखें, द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी मिजरेबल। तो कंडीशन क्या है, इन नाउन है, इन पीपल क्या है, नाउन है। अब इसमें अगर वेरी देखेंगे तो ये क्या होगा, वर्ब। ठीक, देन बात करेंगे हम कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स। ठीक, तो ये हो गया कॉमन नाउन का डिफिनेशन। अगर हम बात करें यदि कॉमन नाउन के पहले, यानी कि कॉमन नाउन के पहले अगर कार्डिनल नंबर यूज करें, ठीक, तो एक को छोड़कर, मतलब वन को छोड़कर कॉमन नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। और वन के भाव को अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं, वन को छोड़कर क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा। ठीक, और वन के भाव को अगर व्यक्त करना है, वन के भाव को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देख लें, मोहन हैज बॉट अ बुक फ्रॉम कटरा। ठीक, तो इस सेंटेंस से क्या लगता है कि एक के बारे में बात हुई है कि कई बुक्स के बारे में बात हुई है, तो क्या बात हुआ है, हम एक ही किताब के बारे में बात हुई है कि मोहन ने ये किताब कटरा से लाया है। अगर अदर सेंटेंस देख लें, मोहन हैज बॉट 5 बुक्स फ्रॉम कटरा। तो यहाँ पे हम किसके बारे में देख पाते हैं, एक के बारे में बात करें, नहीं, यहाँ पे हम 5 बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये हो गया पहला रूल कॉमन नाउन के बारे में। दूसरा ये है रूल कि यदि कॉमन नाउन के पहले अगर मैनी का प्रयोग कर देते हैं, मतलब कॉमन नाउन के पहले मैनी का प्रयोग करेंगे, तो मैनी कॉमन नाउन की अनिश्चित संख्या को बताता है जिसकी संख्या 2 से अधिक मानी जाती है, तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर प्लूरल होगा। ठीक, जैसे मैनी प्लेयर्स आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। ठीक, तो यानी कि मैनी प्लेयर्स होगा, प्लेयर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे संख्या तो कोई निश्चित है नहीं, और सबसे पहले 2 से अधिक के बारे में बात की गई है, तो क्या यूज होगा, यहाँ पे प्योर ही यूज होगा। ठीक, अब एक मैनी ए होता है जिसमें हम देखे हैं कि इसके बाद सिंगुलर वर्ड का, सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे, किसका, सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस ले लें, मैनी अ बुक हैव बीन स्ट्रॉन्गली एनीवन। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्लूरल में, अगर इसका हम सिंगुलर बनाएंगे तो ये हैज का यूज होगा, मैनी अ बुक हैज बीन स्ट्रॉन्गली एनीवन। जैसे कि कुछ चीज़ और हैं, जैसे ईच और एवरी के बाद जो नाउन का नंबर होता है ना, नाउन का नंबर सिंगुलर होता है। ठीक, ईच और एवरी का डिस्ट्रीब्यूट 1/1 होता है। जैसे एक सेंटेंस देख लें, एग्जांपल, द टीचर ऑलवेज हेल्प्स एवरी लेबोरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये सेंटेंस किस में है, देख के बताओ,
तो ये सेंटेंस जो है प्लूरल में, अगर हमको इसको सिंगुलर बनाना है तो इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट हमने किया है काउंटेबल, सॉरी अभी काउंटेबल नहीं कंप्लीट हुआ, अभी कलेक्टिव नाउन बचा हुआ है। कलेक्टिव नाउन नंबर के आधार पर कलेक्टिव नाउन को चार भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला इसका यह है, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन वो सभी प्लूरल नंबर में होते हैं। इससे इस नाउन में कभी भी हम यस या ईएस जो है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब वो वर्ब कौन कौन से हैं, ठीक, पहला है कैटल, दूसरा है वर्मिन, तीसरा है जेंट्री, चौथा है पेजेंट्री, फिर है क्लर्जी, फिर है पुलिस, पीपल, मिलिट्री, फिर है पब्लिक, फिर है पॉलिटी। ठीक, अब जैसे दिया है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि ये सब ऐसे मतलब कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसमें हमेशा एस और यस नहीं लगाएंगे, और इसका जो नंबर होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक, तो इसकी जगह कैटल होगा। ठीक, फिर है द जेंट्री ऑफ दिस विलेज सॉरी हम एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, ये जो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो जो कैटल्स है ना ये हम ऐसा यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक, भले कैटल जो है सिंगुलर देखने में लग रहा हो लेकिन इसका जो नंबर है वो हमेशा प्लूरल में ही रहेगा, ना कि सिंगुलर में रहेगा। ऐसे बहुत से सेंटेंस जैसे कैटल है, वर्मिन है, जेंट्री है, पब्लिक है, पेजेंट्री, क्लर्जी, तो ये सेंटेंस देखने में लगा कि सिंगुलर है लेकिन ये हम प्लूरल में नंबर में ही यूज करेंगे। अब द जेंट्री ऑफ दिस विलेज हैज बीन इन्वाइटेड टू डिनर। ठीक, अब जेंट्री ऑफ दिस विलेज हैव यू आर, ये सिंगुलर है लेकिन हम सिंगुलर में इसको नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हैव। ओके,